पुराने टेस्टामेंट के अनुसार समुद्र के गहराइयों में एक विशाल जानवर रहता था जिसका नाम था लिवायथन। सियूस और बाइबल के मुताबिक जमीन, आसमान और पानी में रहने वाले जीवों की तरह लिवायथन भी भगवान की ही एक सृष्टि है। बुक ऑफ जॉब में भगवान ने खुद इस जीव के बारे में कहा है, ये जानवर देखने में एक विशाल समुद्री ड्रैगन की तरह है। इस जानवर को जो भी देखता वो डर से कांप उठता। कोई कितने भी वीर क्यों ना हो, किसी में भी इस जानवर को नींद से जगाने का साहस नहीं था, क्योंकि इस जानवर को हराना एक सपना देखने जैसा था। लिवायथन बहुत ही शक्तिशाली था। जब वो समुद्र में तैरता तो विशाल लहरें उठती थी। इसके लंबे दांत बहुत तेज थे। इसके पीठ में विशाल मजबूत ढाल आपस ऐसे जुड़े हुए थे कि इसके अंदर से हवा भी आरपार नहीं हो सकती थी। इस जानवर के मुंह से आग और इसके नाक से धुआं निकलता था। कोई भी हथियार इस जानवर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो लिवायथन का सामना कर सके। लिवायथन का अस्तित्व भगवान की मर्जी से है और इसे खाना भी भगवान की मर्जी से ही मिलता था। इंग्लिश फिलोसोफर थॉमस हॉब्स ने इस जीव से इंस्पायर होकर अपनी किताब लिवायथन लिखा था। हॉब्स के अनुसार इंसान जब अपने कायदे कानून में नहीं रहता है तो वो आपस में झगड़ने लगते हैं, जिससे सिर्फ अराजकता फैलती है। इससे बचने के लिए एक सामाजिक संधि की आवश्यकता है, जहाँ पे हर कोई सिर्फ एक शख्स के साथ अपना सत्य प्यार करेगा। थॉमस हॉब्स ने इस व्यक्ति को लिवायथन के साथ तुलना किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जाने से पहले मेरे चैनल मिथिस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसे वीडियोस लाती रहती हूँ।